इसको हर बंदा टिकटॉक पे भी जानता है, इंस्टाग्राम पे भी जानता है, वन ऑफ द फेमस है। और गाड़ी 2 टोन में रैप की हुई है। जेन्युइन चीजें मैं उतार लेता हूं। E140 के अंदर किसी ने इतना कैम्बर नहीं ना किया हुआ अभी पाकिस्तान में। तो स्टेयरिंग व्हील चेंज है और आई थिंक सो इसका ये मीटर भी चेंज है। एयर सस्पेंशन जो है लो राइडर की लगी हुई है। ओ भाई साहब फुल खोता लाइफस्टाइल पे आ जाती है ये। तो इसका हम लोगों ने ड्राइविंग एक्सपीरियंस चेक किया, हमारे साथ हो गया प्रैंक। अभी आपके भाई ने वीडियो बनाई है उस कोरोला की, जिसको पाकिस्तान में अभी लोग नहीं जानते क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही पेंट हुई है। बट अगर इफ़ यू टॉक अबाउट दिस कोरोला, भाई साहब इसको हर बंदा टिकटॉक पे भी जानता है, इंस्टाग्राम पे भी जानता है, वन ऑफ द फेमस है इसके अंदर क्योंकि ये नार्डो ग्रे के अंदर है। आप सुनाओ सबसे पहले क्या हाल है जिशान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट। अच्छा यार जिशान भाई, जैसे पाकविल वाले पहले पूछते हैं ना कि भाई साहब मेक मॉडल वेरिएंट कौन सा है, मुझे ये बताओ। मेक मॉडल ना बताओ तो हमें पता चल रहा है हम लोग कार गए हैं। अब बस इतना बताओ, आपको शौक कहाँ से पड़ा था? किसी को देख के या खुद से ही आपने कहा? कि मुझे खुद से ही था। तकरीबन 4-5 साल पहले मेरे पास एक थी 10 मॉडल अल्टिस, मैंने वो भी तैयार कराने थे, वो घर वालों ने तैयार नहीं करवाने दी। अच्छा। फिर ये ली थी बड़े भाई ने, ये बड़े भाई से फिर मैंने ले ली थी। फिर ऐसा ऐसा मुझे शौक पड़ा, पहले मैंने किटें लगवाई थी, फिर रेम लगवाए थे, मोशनर लिए थे, फिर मैंने लोरिंग पे ड्रॉप की थी। उसके बाद फिर मैंने स्पॉइलर लगवाया था, स्पॉइलर बाद लैम्बोडोर करवाए थे उसके, शायद आपने देखी हो। लैम्बोडोर मैंने देखे थे, बिल्कुल पहले उसमें थी। फिर बिलाल भाई है मेरे दोस्त, मैं उधर गया था, बिलाल भाई ने फिर मुझे कहा था कि रैप कराओ नार्डो में। हाँ, और ये भाई साहब बड़ा मजे का निकल के आया रैप। दूसरी जो नार्डो है वो तो नार्डो है ही है, बट इस पे जो लुक निकली है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि ये ज़्यादा एग्रेसिव है। इसके बोनट की वजह से, इसके स्पॉइलर की वजह से एक डिफरेंट लुक निकली है। और रिम की जैसे भाई बात कर रहे थे, इस पर भाई साहब डीप डिश लगा हुआ है। ये अपना 10-10.5 kg होगा, 10.5 kg है। और हाली ये रिम नहीं, इनके पास रिम की बहुत ज्यादा कलेक्शन पड़ी है। क्या करते हो यार रिम्स का? मैंने अभी कल या परसों वीडियो देखी थी, कोई 4-5 रिम इस टाइम पड़े हुए हैं, है ना गोदाम में। ओह नो, XXR आपके पास पड़े हुए हैं, वो भी आपके भाई के फेवरेट हैं। फिर ये गोल्डन वाले हैं, फिर क्रांजे भी पड़े हुए हैं। हाँ, ये सिल्वर क्रोम में भी पड़े हैं और करांजे भी पड़ा हुआ है। बहुत सारे रिम है, मैं आपको उसकी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे अटैच करूंगा। भाई साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं रिम्स का, मेरी तो समझ से बाहर है। हर हफ्ते में चेंज कर लेते हैं और ये नहीं कि पुराना वाला सेल करते हैं। जैसे हमने अपने रिम चेंज करने, बट हमने सेल करने हैं फिर नए लेने हैं। बट भाई के पास लगता है ज़्यादा पैसे हैं, भाई साहब नए रिम ले जाते हैं और पुराने वहीं पर पास रखे हुए हैं। और ये भी भाई साहब कारगाही की निशानी होती है, उसकी कोशिश होती है अपनी चीज़ सेल ना करे, है ना। ऐसे ही है, बाद में पुराने लोग ये लोग देख के मन मर जाता है। फिर बंदा कहता है यार वो वाली लोग कितनी प्यारी थी जो पुरानी वाली। ये चीज़ मेरे साथ पर्सनली भी होता है। जैसे अगर मैंने अभी ये रैप किया ना, तो इससे पहले ये थी ग्रे कलर में, तो फिल्टर्स वगैरह में वो ना नार्डो ग्रे वाली थोड़ी थोड़ी वाइब आती थी। तो उस टाइम पे तो मैंने चेंज कर दिया। बट अब मेरा भी कभी कभी देख के ना दूसरों की गाड़ियों की, जैसे एक आपकी देख ली या नार्डो वाली हुजैफा की देख ली, तो मेरा दिल करता है भाई एक बार जरा वो भी लुक हो जाए। तो हाँ, बाद में दिल करता है। बट कोई नहीं, अपना तो रैप है, पेंट नहीं हुआ ये वाली करोला की तरह, तो हम लोग वो उतार लेंगे। बट पेंट की फिनिशिंग की मैंने जैसे आपको बात बताई थी, वो अलग ही है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में सबसे पहला क्या मॉड किया था आपने? सबसे पहले किटें लगवाई थी। किटों के बाद फिर मैंने लगवाए थे स्प्लिटर लगा के मैंने पीछे छोटा स्पॉइलर लगवाया था। स्पॉइलर के बाद फिर लोरिंग डलवाए थे, लोरिंग के बाद फिर मैंने रिम्स चेंज किए थे। आपकी जर्नी ये जो है ना गाड़ियों की, वो काफ़ी हद तक मेरी वाली है। मैंने भी बॉडी किट लगाई, फिर स्प्लिटर, फिर स्पॉइलर और लोरिंग पे ही गाड़ी ड्रॉप की थी। अब तो हैं, अभी कोयल ओवर्स हैं, बट मैं डेली ड्राइवर नहीं है क्योंकि वो कोयल ओवर्स मेरे इतने कोई मज़े के नहीं है। मुझे नहीं है राइड पसंद, अभी भी स्टॉक हाइट पर करके आया हूँ। बट भाई ने वो कोयल ओवर वाली से जान छुड़वा ली है, स्पेयर सस्पेंशन डाल दिया, वो आपको चेक कराएंगे। बिफोर दैट इस पर बात करते हैं इसकी लाइट्स के बारे में। इसमें नाइकी स्टाइल जो है हेडलाइट्स चली हुई हैं। आपको कितने की मिली थी ये हेडलाइट वाला? 38,000 की। और फिलहाल इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो कि आपको पिछली वीडियो में बताया किसी ने नहीं, 85 से अबव हो गई है। ओ नो। और इसमें बॉडी किट लगी है, फ्रंट स्प्लिटर लगा है, साइड के नार लगी है और बैक बम्पर लिप भी लगा हुआ है, वो जो ब्लैक कलर के अंदर आपको नज़र आ रहा है। और गाड़ी 2 टोन में रैप की हुई है, फ्रंट नार्डो ग्रे है और बैक ब्लैक है। अच्छा, ये ब्लैक इसका खुद का कलर है या वो भी रैप है? ओरिजिनल कलर क्या है इसका? वैसे रेड वाइन है। ओके, हो गया, बेहतरीन हो गया। बैक की अगर बात करें तो बैक पे उसकी और इसकी लाइट सेम है ना, बस इसकी सारी स्मोक है और उसकी थोड़ा रेड है। बेहतरीन हो गया। और इसमें पूरी स्मोक ही जानती क्योंकि इसकी बैक लुक बहुत ज़्यादा मज़े की है। और ये स्ट्रेट पाइप की अगर बात की जाए तो स्ट्रेट पाइप कितने इंच आपने डाला हुआ है? 2.5 इंच है, मेरा भी 2.5 इंच है, सेम है। बट अभी नहीं डाला हुआ, वो भी मैं निकाल के आया हूँ। आपको भाई गाड़ी फुल स्टॉक करके लेके आया हुआ है यहाँ पे। और ये यार, अच्छा आपको जेन्युइन वाला रोला नहीं है आपको भी कि गाड़ी जेन्युइन रहे? नहीं, झूठ बोल रहा है। नो, आई एम टेलिंग यू। तो इन्होंने भी भाई साहब लगाया हुआ है, स्पॉइलर दोनों का सेम है। नहीं, मेरी डिगी चेंज है। अच्छा डिकी चेंज करके उतारी हुई है, मेरा जेनवन बोनट भी उतरा हुआ है, अगले मैंने फेंडर भी जेनवन। अच्छा मतलब चीजें जो बचती हैं उनको बचाया हुआ है, जेनवन चीजें मैं उतार लेता हूं, जेनवन चीजें नहीं मैं खराब। अच्छा अच्छा बेहतरीन हो गया, वो भाई ने नहीं किया हुआ, उनकी अपनी मर्जी, क्योंकि उन्होंने गाड़ी पहले भी पूरी पेंट की थी तो उनका वो चीज ही निकल जाती है, उस कैटेगरी में से बंदा निकल सकता है। टोटल जेनवन है गाड़ी, बस एक फेंडर है और हाफ बोनट है, वो मेरे से लगी थी। उसकी तो भाई ने बताया था हालत काफी ज्यादा खस्ता थी, उसको पेंट करना जरूरी था। गाड़ी फ्रंट से मेरी गाड़ी तकरीबन आगे पत्थर आया था राइट साइड पे, गाड़ी उल्टे हाथ पे हो गई थी, एकदम डोल गई थी गाड़ी। होए होए होए। तो अभी भी भाई साहब ये नहीं कि कैम्बर पे अगर कोई मसला हुआ है तो उसको छोड़ दें, अभी भी ये जो कैम्बर है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे है, जितना मुझे नॉलेज है, जितना अभी फिलहाल इस गाड़ी में कैम्बर है, E140 के अंदर किसी ने इतना कैम्बर नहीं ना किया हुआ अभी पाकिस्तान में। और इसकी ड्राइव तो बड़ी ख़राब है, वो भी आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अपना चेक करवाएंगे। उसके बाद अगर बात की जाए भाई साहब, बैक पे भी बॉडी किट लगी हुई है और कैम्बर तो बहुत ही ज़्यादा यार, फेंडर से देखो बहुत ही बाहर है। और टायर तो गाड़ी का भाई साहब फारिग हुए पड़े हैं, टायर भी आपको चेक करवाएंगे अगर दिखा सका तो। उससे पहले इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर वाली साइड पे चलते हैं। इंटीरियर में कुछ अभी मॉड्स किए हैं या इंटीरियर अभी स्टॉक है? स्टीयरिंग चेंज किया है, मीटर चेंज किया। आओ ज़रा दूसरी साइड से। और भाई साहब बिल्कुल स्टॉक है, बट अगर आप लोग स्टेयरिंग व्हील की बात करते हो तो स्टेयरिंग व्हील चेंज है और आई थिंक सो इसका ये मीटर भी चेंज है। मीटर भी चेंज है, ये अल्टिस वाला डाला हुआ है और ये स्टेयरिंग भी अल्टिस वाला है, और ये कार्बन फाइबर स्टेयरिंग कवर भी लगाया हुआ है और कार्बन फाइबर का टच दिया हुआ है जो कि गाड़ी को एक बड़ी अच्छी लुक दे देता है स्टॉक वाली से। ये ट्रिम भी कार्बन फाइबर की हुई है, वो वाली ट्रिम भी जो डोर वाली है वो कार्बन फाइबर है। एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है। और इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं और अदनान भाई तो चेंज करना चाह रहे हैं एम्बिएंट लाइट, ये पाइप वाली लाइट है। हाँ बहुत महंगी है, मैंने पता किया है, 20 की मिल रही है 14,500 की। मेरे पास बंदा है, मैं आपको नंबर देता हूँ बंदे का, उससे रब्ता कर लेना, 14,500 की मिल जाएंगी। डायनामिक वाली एम्बिएंट लाइट है जो कि LED वाली न्यू आई है। ऑक्स वालों की वो बहुत ज़्यादा महंगी है, ऑक्स की रिप्लेसमेंट में एक कंपनी आई है, उनकी 14,500 की मिल रही है और वो बड़े मजे की आपको भाई की गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। रेट था ना उसका? हाँ अभी ऑक्स वालों के पास उसका रेट 19,500 है कम्प्लीट सेट वाले की। उसकी बात नहीं कर रहा, वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना 14,500 के अंदर, उसमें डैशबोर्ड, पाँव वाली, एटमोसफेयर, एम्बियंट और डोर के अंदर भी इस जगह पे पिन लगनी है, कंप्लीट सेट है। हाँ चारों डोर की, वो मेरे ख्याल से है कोई RGB लाइट चलेगी मल्टी कलर। हाँ डायनामिक वाला मोड भी है उसके अंदर, असल सारे पैसे डायनामिक मोड की हैं और किसी चीज़ के नहीं है। तो ये सारा भाई साहब इंटीरियर, और गेयर नोब भी लगी हुई है। बाकी इंटीरियर अभी स्टॉक है, इंटीरियर गेम्स होंगी बहुत जल्दी। इंटीरियर का क्या प्लान है फिलहाल, ब्लैक आउट करना है या क्या करना है? सीट कवर ढूंढने गया था 3 दिन से, वही ढूंढ रहा हूँ, सीट कवर को पसंद नहीं आ रहा, मेरा दिल है बकेट सीट डालूं। बकेट सीट ओके, नहीं तो मैं अभी आपको अपना इंटीरियर चेक कराता हूँ, आप एक बार वो चेक करना, शायद आपको पसंद देखिए। देखा है वो रेड में? नहीं अभी नहीं देखा। रेड वाला चेक करना, वो भी थोड़ा डिफरेंट मैंने करने की कोशिश की है। आप जरा भाई को अपना इंटीरियर चेक कराते हैं जो कि हम लोगों ने किया है। कदर गाड़ी खुली हुई है, ठीक है तो फ्लिप फ्लॉप करके दिखाएं। मैं एक सेकंड खाता। वेरी नाइस, माशाल्लाह सही हो गया। ये वाले जितने बेच पार्ट थे सारे कर दिए, अभी इसको ब्लैक आउट करना रहता है क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसको भी ब्लैक करेंगे। डैशबोर्ड किया दोनों के दोनों, सीट की कोशिश की है। अब जरा ट्रंक पे आपको एयर सस्पेंशन इसकी चेक करवाते हैं। भाई साहब इसमें भी एयर सस्पेंशन जो है लो राइडर की लगी हुई है, ट्रंक की मॉडिफिकेशन भी ऑलरेडी हुई हुई है, पूरे का पूरा जो कारपेट है वो चेंज किया हुआ है जो कि बड़े मज़े की लुक दे रही है। 3D कारपेट आई थिंक इसको कहते हैं, डिज़ाइन जो भी है। डबल कंप्रेसर है, लो राइडर की है। अच्छा प्राइसिंग वगैरह रिवील करना चाहोगे इसकी या नहीं? नहीं कोई अंदाज़ा ना, अगर कोई बंदा आइस अभी डालना चाहे लो राइडर की, अब की बात बता दो ना। 4 से 5 मिले, 4 से 5, क्योंकि अभी रेट तो वही बंदे को बताना चाहिए ना जो अब बंदा लेना चाहिए। आपको तो बहुत सस्ती मिली होगी क्योंकि तब डॉलर सस्ता था। अब आपको इसका ज़रा ड्राइविंग एक्सपीरियंस चेक करवाते हैं क्योंकि इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस कह लो भाई साहब, खौफनाक कह लो आप लोग। फ्लिप फ्लॉप ट्रंक वाली शिशका इसमें भी है, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त। और इसकी वीडियो भी आपके भाई ने डाली हुई है कि आप लोग किस तरह गाड़ी को कर सकते हो, अगर किसी ने नहीं देखी जाके देखो चैनल पे, आपके भाई ने भी अपनी ट्रंक की हुई है। और अभी एक इसकी इंस्टाग्राम की वीडियो बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ओए आई थिंक उसकी इतनी नहीं ऊपर जाती, कोई फ़र्क है? बैग वाला क्या है उसके? और इसके जेनवन है तो बलून वाला भी कोई चक्कर होता है? 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं, उसके 2 होंगे। 2 है मेरे, 3 इस वजह से क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती है। एक बार ऊपर करना ज़रा इसे, ओ भाई साहब फुल खोता लाइफस्टाइल पे आ जाती है ये तो। वो नहीं इतनी ऊपर जाती। ओ नो, पीछे से उठाई आगे से नहीं थी उठाई, बम्पर निकल गया। नको भैया चले जाएगा वापस आई थिंक। ओ नो, नहीं निकल गया। उठाओ हाँ भला आगे से एक बार। आगे भी तीन ही है कि आगे दो हैं बैग? भाई फिर ये बेहतरीन है, क्योंकि वो अगर मैंने डालनी हुई तो आपका भाई तीन वाली ही डालेगा, क्योंकि दो वाली पे तो मेरे एल्ली लगे रहेंगे वहाँ पे भी। बड़ा बेहतरीन काम हो गया। अभी इसका हम लोगों ने ड्राइविंग एक्सपीरियंस चेक किया, हमारे साथ हो गया प्रैंक, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, हमने ऑन ही नहीं था किया। बट खैर आप लोगों को दोबारा से बता देते हैं कि भाई साहब इसको चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चला सकता, यही बंदा चला रहा है जो चला रहा है, इसकी हिम्मत है। गाड़ी भाई साहब खुद से राइट लेफ्ट होती है, और सारे मोड आप लोगों को गाड़ी के चेक कर रहे हैं। जो सबसे मजे का मोड है वो एंड पे रह गया, अब आपको वो चेक करवाते हैं। इसमें भी है और उसमें भी है, उसका भी अभी रिकॉर्ड करना है और इसका भी, जो कि है पटाखे। राइड काफ़ी मज़े की थी वैसे। ओवरऑल देखा जाए झूला खा रही है वो एक अलग बात है, बट हाँ एयर सस्पेंशन पे लोग कहते हैं कि राइड काफ़ी ज़्यादा बम्पी हो जाती है, बट नहीं है। और अभी इसको ऊपर करके चलाया तो इसलिए ऐसा कोई रोला नहीं है, नीचे करके चलाओगे तो भाई ओबियसली मसला आएगा। अब ज़रा इसको नीचे करते हैं। ये हमारी आगे से नीचे होगी और ये हम लोग पीछे से नीचे करते हैं। बेहतरीन भाई साहब, गाड़ी खड़ी हो चास तो करवाती है ना पूरी।